हेलो दोस्तों, आपको रोटी के बारे में एक चीज़ पता है? क्यों रोटी फूलती है? नहीं तो आज हम आपको इसका जवाब बताएंगे कि कौन सी वजह है कि रोटी फूलने के बाद दो परतों में बढ़ जाती है, जबकि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है। अब यह कोई जादू तो नहीं, तो चलिए आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं। रोटी फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं, तब गेहूं में शामिल प्रोटीन में एक लचीली परत बन जाती है, जिसे लाशा या ग्लूटेन कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अब CO2 की वजह या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है। रोटी को सेकने पर लाशा के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वो रोटी के ऊपरी सतह में रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका उस तरफ एक पापड़ी सी बन जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ सेकने पर रोटी के उस वाले हिस्से में भी पापड़ी बन जाती है। इस तरह दो पापड़ियों के अंदर बन CO2 और गर्म होने में पैदा हुई भाप की वजह से रोटी के दो अलग अलग परतें बन जाती हैं और रोटी फूल जाती हैं। शायद आपको अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल द एजुकेशन ड्यूटी को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हम ऐसे ही आपको फैक्ट जानने पसंद हो तो अपने नेक्स्ट फैक्ट जो आपको जानना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।